तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मुझे भूख लगी है। हमें जानना है तुम क्या चाहती हो। मैं चाहती हूँ कि आप पहले राउंड में मेरे लिए पास्ता बनाएं। पास्ता? मैंने पहले से कभी नहीं पकाया है, लेकिन कर सकती हूँ। दादी जागो, बेबी को नूडल्स चाहिए। नूडल्स? आसानी से, मैंने उसके लिए कितनी बार नूडल्स बनाया है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सभी क्लासिक रेसिपी के अनुसार होगा। माफ करना, ये आटे की वजह से हुआ। सब ठीक है, और फिर से माफ करना। मैं सिर्फ अपनी नूडल्स बनाना चाहती हूँ। आटे के बाद अंडे का उपयोग किया जाएगा। मैं उसके साथ जगलिंग भी कर सकती हूँ। आउच, रुको। फिर से मुझे माफ कर दो। मुझे लगता था कि मैं एक अच्छी जगलर हूँ। खैर, जब आटा तैयार हो गया है तो हम इसे छोटे बॉल्स में बांटना होगा और हर एक को एक निश्चित रंग में पेंट करना होगा। उसके बाद एक विशेष मशीन की मदद से मैं आटा को नूडल्स में काटूंगी। इसके लिए हमें बस इस मशीन में आटा को ध्यान से घुमाना होगा। मेरी राय में ये बहुत अच्छा निकला, और सबसे जरूरी बात, ओरिजिनल। सभी के पास साधारण नूडल्स होंगे और मेरे नूडल्स फूलों के रूप में होंगे। दादी, आपका कैसा चल रहा है? सब ठीक है। मेरी पोती को हमेशा केचप के साथ साधारण नूडल्स पसंद होते हैं, तो मैं क्यों नहीं उसके लिए वही बनाऊं? यह संतोषजनक और स्वादिष्ट दोनों होगा। वेंसडे, तुम क्या कर रही हो? थिंग, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे नूडल्स साधारण दिखे। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा रंगीन है। इसमें थोड़ा काला डाई मिलाते हैं, इसकी बात ही अलग होगी। मैं इसमें केचप भी मिलाऊंगी, या खून की जगह होगा। वैसे इसके अलावा मैं गमी आंखें डालूंगी ताकि वे ज्यादा खूबसूरत होंगे। बेबी, क्या तुम इसे चखने और विनर चुनने के लिए तैयार हो? पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। शायद पहले मैं दादी के बनाए नूडल्स को ट्राई करूँगी। मुझे ये तब से पसंद है जब मैं छोटी थी। मुझे लगता है इस बार भी इतना ही स्वादिष्ट होगा। जैसा मैंने सोचा था, अद्भुत स्वाद। इसके बाद इनिट के नूडल्स को चखूंगी। ये बेशक बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारा बना है। यह असली आर्ट है। मैं तो इसे खाना भी नहीं चाहती। एनी ने अलग से पास्ता भी रखा है। ओ हाँ, ये बिल्कुल पिशाच के नुकेले दांत की तरह है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? ये पका हुआ नहीं है, सूखा है। इसे ऐसे खाना अच्छा नहीं है। इनिट, मुझे माफ करना, लेकिन मेरे दांत लगभग टूट गए थे, इसलिए मैं तुम्हारे फूल को नहीं खाऊंगी। और यह क्या है? गमी आइस। मैं इसे खाना चाहती हूँ। वाओ, मुझे ये बहुत पसंद है। वेंसडे, तुम्हें कैसे पता चला कि गमी कैंडीज नूडल्स के साथ अच्छे से जाता है? इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं। मैं इस स्वादिष्ट नूडल्स को पूरा खत्म कर दूंगी। मैंने प्लेट पर सॉस की एक बूंद भी नहीं छोड़ी है। मुझे लगता है कि विनर स्पष्ट है। सबसे अच्छे नूडल्स वेंसडे ने बनाए हैं। वाओ, यह सही नहीं है। मैंने भी कोशिश की थी। वेंसडे से दूर रखो। एक बुजुर्ग महिला को डराना बंद करो। बेबी, तुम्हें इस बार क्या चाहिए? हाँ, मुझे एक कॉकटेल चाहिए। क्या बनाएंगे? आसानी से, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी बेटा। मैं कॉकटेल बना सकती हूँ, और अब मैं इसे बनाऊंगी ताकि आप इसे अपने जीवन में कभी ना भूले। कॉकटेल की मुख्य सामग्री सामान्य स्प्राइट होगा। इसे ऐसे अलग आकार के ग्लास में डालना होगा। अब इसमें अंदर एक सीक्रेट सामग्री डालूंगी जो स्प्राइट को सही रंग देगा। यह हरा हो जाएगा। थिंग, इनिट के पास जाकर मेरे लिए क्रीम लाओ। यह कैसा शैतान का हाथ है, दूर हटो। दादी, मेरे असिस्टेंट को नाराज मत करो। थिंग केवल वही कर रहा है जो मैंने उसे कहा है। मुझे कॉकटेल पर डालने के लिए क्रीम की जरूरत है, और ऊपर से गमी आइस भी डालना है। मैं मानती हूँ गमी आइस मेरी फेवरेट कैंडी है। यह अच्छा दिख रहा है और स्वादिष्ट भी है, और थोड़ा लाल सिरप भी बुरा नहीं होगा। मैं किस चीज का इंतजार कर रही हूँ? मुझे भी अपना कॉकटेल बनाना शुरू करना चाहिए। यह निश्चित रूप से गमी कैंडी के साथ शुरू करने लायक है। सबसे पहले उन्हें रंग के हिसाब से छांटना होगा। हो गया, अब उन्हें एक लंबे ग्लास में लेयर्स में बिछाना होगा। जरा देखो यह कितना सुंदर है। एक हेयर ड्रायर के साथ इन गमीज को पिघलाने की जरूरत है ताकि वे एक गाढ़े घोल में बदल जाए। और फाइनल टच व्हिप क्रीम है। इससे ड्रिंक सर्व करने में सुंदर लगता है, और एक छोटा गमी भी शानदार होगा। वाओ लड़कियों, तुमने सुंदर और स्वादिष्ट कॉकटेल बनाए हैं, लेकिन तुमने मेरी पोती के स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मैं एक कॉकटेल बनाऊंगी जो एकदम पौष्टिक होगा। इसमें बहुत तरह की सब्जियां शामिल होंगी जिन्हें मैं इस ब्लेंडर में भर दूंगी, और जितना अधिक उतना अच्छा। और मैं इसे पूरा भर दूंगी, और अब केवल ब्लेंडर में सब्जियों को पीसना बचा है, और कॉकटेल तैयार है। और इसकी महक कैसी है, भयानक। मेरी तबीयत खराब हो रही है। क्या पक्का है? मैं कहीं भागना चाहती हूँ। कुछ भी, लेकिन मेरी पोती अपने स्वास्थ्य के लिए मेरी चिंता की सराहना करेगी, है ना? यह विनर चुनने का समय है। देखने में तो सभी कॉकटेल बहुत अच्छे हैं।
दादी का कॉकटेल सबसे साधारण दिख रहा है, तो चलिए इसके साथ शुरू करते हैं। मुझे इस गंदी टहनी की चिंता है, आशा है कॉकटेल अच्छा होगा। यह घिनौना है दादी, इसे पीना असंभव है। अब इनिट के कॉकटेल की बारी है, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और मुझे व्हिप क्रीम बहुत पसंद है और यहाँ यह बहुत सारे है। इस तरह के कॉकटेल को पीना नहीं चाहिए बल्कि चम्मच से खाना चाहिए। और हम स्वादिष्ट व्हिप क्रीम का एक ग्राम भी नहीं छोड़ सकते। क्रीम खत्म हो गया है और एक ट्यूब लेती हूँ। अजी, कॉकटेल इतना गाढ़ा क्यों है? इसे पीना असंभव है। और मैं ऐसे कॉकटेल को जीत कैसे दे सकती हूँ जिसे मैंने चखा भी नहीं? नहीं, यह अच्छा नहीं है। वेंसडे, तभी आशा तुम पर है, मैं इसे तुरंत पीऊंगी। आखिरकार स्वादिष्ट, मैं इस कॉकटेल को हमेशा पीना पसंद करूंगी क्योंकि यह वास्तव में स्वादिष्ट है। मैं रुक नहीं सकती। हाँ, वाओ, यह तो बहुत ही अच्छा है, ऊपर से व्हिप क्रीम। और विनर कौन है? जाहिर है वेंसडे, उसने बहुत अच्छा कॉकटेल बनाया है, मुबारक हो। इस राउंड में हमें क्या बनाना है? दादी, यह बहुत आसान है, मेरे लिए सलाद बनाओ, मुझे कुछ हल्का चाहिए। ठीक है, सलाद ही सही, यह किया जाएगा। बस कुछ मिनट, तुम्हें अपने जीवन का सबसे अच्छा सलाद मिलेगा। मैंने तुम्हारे लिए सलाद की पत्तियों को उगाया है, इसे सलाद का आधार बनाती हूँ, फिर चीज और ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जाहिर है मुझे इस सलाद की रेसिपी पता है, हमें रसदार चेरी टमाटर को नहीं भूलना चाहिए, इससे सलाद स्वादिष्ट और खूबसूरत दिखेंगे। मेरा सब तैयार है। मुझे समझ आ गया कि सलाद को ना केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर भी कैसे बनाया जाए। मैं फिर से फूलों की थीम पर लौटूंगी और सब्जियों से छोटे और प्यारे फूल बनाऊंगी। मेरे पास इसके लिए मोल्ड भी है। मुझे तो यह आइडिया अच्छा लग रहा है क्योंकि एक असली गुलदस्ता जैसा दिख रहा है और एक स्वादिष्ट सलाद भी है। ओह, फूल, यह बोरिंग है, सलाद में कुछ गहरा रंग चाहिए, जैसे कि कम से कम थोड़ी बेजिल लीव्स। मैं इस खोपड़ी से खुश हूँ, इसलिए यह भी प्लेट पर होगा। इस खोपड़ी पर मैं चीज और हैम चिपका दूंगी। अब हमें पूरी चीज पर केचप डालना है और दो आंखें लगानी होगी। इस तरह से खोपड़ी ज्यादा दिलचस्प लगने लगेगा। कितना डरावना है, अगर मैं इसे रात में देखूंगी तो डर के मारे नीचे गिर जाऊंगी, लेकिन यह मैं नहीं बल्कि बेबी तय करेगी। हुरे, स्वादिष्ट सलाद। वेंसडे, तुमने इस बार क्या बनाया है? ओह, कितना डरावना है, मैंने ऐसा भयानक सलाद कभी नहीं देखा। नहीं, यह वैसा नहीं है जैसा इसे होना चाहिए, मैं नहीं खा सकती। चलो देखें कि दादी ने मुझे कैसे सरप्राइज किया है। उनका सलाद वास्तव में सीजर के समान है। यह हुआ ना सलाद जिसे मैं हर समय खाने के लिए तैयार हूँ। मैं रुकना भी नहीं चाहती, मैं जल्द से जल्द प्लेट खाली करना चाहती हूँ। यह सलाद स्वादिष्ट और हेल्दी दोनों है। अब मैं बहुत मजबूत हो जाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं इनिट के फूलों को ट्राई करूंगी। छी, यह सिर्फ सब्जियां हैं, स्वादिष्ट नहीं, लेकिन मुझे दादी का सलाद पसंद आया, बधाई हो। दादी, उधर देखो, बेबी टास्क देने के लिए तैयार है। मुझे डोनट चाहिए। तुम्हें डोनट मिलेगा, मुझे भी यह पसंद है, इसलिए मैं इसे बना सकती हूँ। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि डोनट्स कितने बोरिंग होंगे। ऐसा क्यों? और वैसे भी डोनट का स्वाद जरूरी होता है, बेबी को केवल उसे देखना नहीं है। और मैं फिर से कुछ रंगीन बनाऊंगी, या कहूँ तो मेरे प्रत्येक डोनट्स का अपना रंग होगा, आमतौर पर लोग ऐसा पसंद करते हैं। अब वह क्या था? मेरे पास मत आओ, बेकिंग से मेरा ध्यान मत हटाओ, मेरे डोनट्स तैयार होने वाले हैं। आधा काम हो गया, यह सजाने का समय है। बेशक लाल स्ट्रॉबेरी सिरप के बिना काम कैसे चलेगा, वह वास्तव में खून की तरह दिखता है। लेकिन इतना ही नहीं है, सफेद ग्लेज की मदद से मैं मकड़ी के जाल के रूप में एक पैटर्न ड्रॉ करूंगी। यह ऐसा है जैसे मानो मैंने इन डोनट्स को मकड़ी के जाले से बाहर निकाला हो। ठीक, इसे ले लो, और मुझे न्यूटेला चाहिए, उसे लाओ। शाबाश, तुम्हारे बिना मैं इतने चमगादड़ नहीं बना पाती। देखो यह कितना अच्छा है, मैंने असली सुंदर डोनट्स बनाए हैं। दिलचस्प, मैं डोनट्स को बहुत ज्यादा नहीं सजाना चाहती, उनके स्वाद को और अच्छा बनाने के लिए मैं सिर्फ डोनट्स पर पाउडर चीनी छिड़कूंगी। यह सभी को पसंद आता है, तो मेरी पोती भी खुश होगी। मेरे
रंगीन डोनर्स भी तैयार है। वे बहुत सुंदर है। हम उनके साथ तस्वीरें भी ले सकते हैं। यह अच्छा है, लेकिन यह इतना ही नहीं है। ऐसे डोनट्स के साथ रंगीन स्प्रिंकल्स अच्छे होते हैं। हमें बस इसे खोलना है। अब मेरी पूरी जीप कैंडी में ढकी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, यह बेबी के लिए विनर चुनने का समय है। ओह, वेंसडे ने फिर से कुछ अलग सा किया है। यहाँ तक कि चमगादड़ भी स्वादिष्ट लग रहे हैं। वाह, बुरा नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे और अधिक की उम्मीद थी। अब आगे दादी के डोनट्स को चखूंगी। इससे पहले कि मैं उन्हें खाऊं, मैं एक छोटा टावर बनाना चाहती हूँ। इस तरह से ये बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। बढ़िया, साधारण डोनट्स है, स्वादिष्ट है, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है। आइए देखें कि इनिर ने मेरे लिए क्या बनाया है। उसके डोनट्स बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ऐसा मुझे पसंद है। वाह, यह तो कमाल का है। इनिर, यह स्पष्ट है, तुम्हारे डोनट्स सबसे अच्छे हैं। वाह, उसे गुलाबी डोनट चाहिए। इसे पकाना काफी आसान है। ब्रायन, तुम्हें न्यूटेला खाना नहीं बल्कि डोनट बनाना है, तो फिर जल्दी शुरू हो जाओ, इससे पहले कि बेबी केट फिर से रोना शुरू कर दे। तो केट को एक डोनट चाहिए। यह तो बहुत आसान है। मैं अपना सिग्नेचर ओरियो डोनट्स बनाने जा रहा हूँ। मुझे बस कुकीज का पाउडर बनाना है और एक जैक हैमर इसमें मेरी मदद करेगा। अब मैं सब कुछ टुकड़ों में तोड़ दूंगा। ओह, इस चीज को कंट्रोल करना मुश्किल है। ओह, लगता है ये लगभग हो गया है। अरे वह कौन है? माफ करना अंकल बिल्डर, क्या यह आपका है? ओह, हेलो ब्यूटीफुल। आप सब कुछ एक कटोरे में डालें और उसमें न्यूटेला मिलाएं। और अब मुझे एक और कूल गैजेट की जरूरत होगी, मेरी उंगली। सब कुछ मिलाएं। बढ़िया, यह बहुत स्वादिष्ट है। दादी, क्या आप इसे चखना चाहती हैं? ठीक है, मैंने अभी तक इसे चाटा भी नहीं है। खैर, अब हमें डोनट मेकर में सब कुछ डालना होगा। मुझे लगता है यह बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। ओ, मैंने थोड़ा गंदा कर दिया है। खैर कोई बात नहीं, चलो यह सब साफ करो और अब मैं अपना डोनट्स बनाती हूँ। मेरा स्टोव पहले से ही गर्म है, इसलिए मैं इसमें डो डालती हूँ। शेफ, तुम्हारा कैसा चल रहा है? मेरे पास भव्य स्वादिष्ट डोनट्स है, बस इसे देखो, वे कितने स्वादिष्ट और जूसी है। लेकिन अभी और काम बाकी है, मुझे इसके ऊपर सोने से ढके मार्शमेलो को सजाना है। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट निकलेगा। इस तरह यह अभी से ही बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन यह इतना ही नहीं है, मुझे अपने सैंडविच को चॉकलेट से ढके डोनट से ढकना है और फिर ऊपर से गोल्ड स्प्रिंकल्स। तो आपका क्या ख्याल है? अच्छा है ना? आपका क्या चल रहा है? मेरे डोनट्स भी तैयार हैं। अब मैं अपने सुंदर डोनट्स को दिखाऊंगी। इसमें कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है, बस पाउडर चीनी और बस। यह कैसी महक है? ब्रायन, क्या वहाँ कुछ जल रहा है? हाँ, मेरे डोनट ज्यादा पक गए हैं। वे इतने काले हैं क्योंकि वे जल गए हैं या फिर वो ओरियो से बने हैं। चलो अब इस पर पिघले हुए मार्शमेलो लगाएं और अब मैं इस पर स्ट्रॉबेरी सिरप भी डालूंगा ताकि वे जले हुए ना दिखे। दादी, बहन केटी से जरूर बहुत पसंद करेगी। और अब मेरे फेवरेट माल्टेसर्स, चलो इसे चक्कर बताओ। मुझे कौन सा चुनना चाहिए? मुझे ये चाहिए, मैं इसे खाती हूँ। मेरे मुँह में क्या है? ये बहुत सोना है, मुझे वो पसंद नहीं है। और यह क्या है? वाह, कितना प्यारा डोनट्स, मुझे ये बहुत पसंद है। और यहाँ क्या है? वाह, ये डोनट्स बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। और यहाँ मेरे फेवरेट कैंडीज भी है, ये जरूर बहुत स्वादिष्ट है। वाह, बहुत बढ़िया। और इसका स्वाद कैसा है? अद्भुत, मेरा भाई विनर है। ये, मैं जीत गया, मैंने सबसे स्वादिष्ट डोनट्स बनाए। और अब मुझे वफल चाहिए। मेरी पोती स्वादिष्ट वफल चाहती है। ये तो बहुत ही आसान है। चलो सबसे पहले इसका डो बनाते हैं। मुझे थोड़ा आटा चाहिए और फिर इसमें अंडे मिलाने की जरूरत है। और अब बटर का एक टुकड़ा, अब इसे एक बाउल में डाले। ओह, बटर का टुकड़ा गलत जगह पर कहीं चला गया है। ओह, धन्यवाद शेफ। और अब थोड़ी चीनी और दूध। वाह, कितना स्वादिष्ट ताजा दूध। और अब हम सब कुछ मिलाते हैं।
दादी आप सब तरफ बिखरा रही हो, इसे रोको। ठीक है, माफ करो। और मुझे स्कीटल्स चाहिए। मैं अद्भुत स्कीटल्स कैंडी वफल बनाने जा रही हूँ, ये बहुत स्वादिष्ट बनेगा। और मुझे क्या करना चाहिए? मुझे वफल बनाने नहीं आता। ओह, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मेरे बैग में कहीं नूडल्स थे। ओह, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, और ये एक हफ्ते पहले खो गया था। और यहाँ मेरे स्वादिष्ट नूडल्स है। अब मैं इसे एक वफल बनाने जा रहा हूँ। बस इसे वफल मेकर में डालना है और हमारा काम हो गया। थोड़ा केचप जोड़े, मुझे लगता है कि यह चेहरा केक को हंसाएगा। मेरा सब तैयार है और मेरा वफल भी तैयार है। उसे बाहर निकाल कर एक के ऊपर एक रख देती हूँ और ऊपर से मैपल सिरप। यह स्वादिष्ट लग रहा है। और मुझे स्ट्रॉबेरी सिरप चाहिए। दिल के आकार के ग्लास में इसे डालेंगे। और यहाँ स्किटल से बना मेरा वफल है। इसे यहाँ लगा देती हूँ और यह तैयार है। केट, तुम इसे ट्राई कर सकती हो। वाओ, यहाँ बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें हैं और यह बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इसे जल्दी से खाना चाहिए। वाओ, कितना स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? वाओ, मेरा फेवरेट स्ट्रॉबेरी सिरप। कूल। और यहाँ क्या है? वाओ, ये वफल पक्का दादी ने बनाए होंगे। यह पहली बार नहीं है जब मैं उन्हें खाने जा रही हूँ। बहुत स्वादिष्ट। ओह, मैंने बहुत सारे वफल खा लिए, लेकिन अभी भी भाई का वफल बचा है। मुझे ट्राई करना चाहिए। वाओ, यह मीठा नहीं है, यह नूडल्स है और केचप के साथ। यह स्वादिष्ट है, लेकिन मेरा पेट बहुत भर गया है। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन शेफ विनर है। वाओ, मुझे पता था मैं ही जीतूंगी। मेरे वफल सबसे स्वादिष्ट है। अब मुझे एक लिक्विड कोक कैंडी चाहिए। ओके, यह एकदम आसान है। अब चलो कुछ बढ़िया बनाते हैं। मुझे कोका कोला की खाली बोतल चाहिए। यह मुश्किल था, लेकिन मैंने इसे किया। अब मुझे माफ करना। अब बोतल में कॉर्न सिरप डालना होगा, बस इस तरह से। हमें यह बहुत ज्यादा चाहिए। वाह, अब कुछ नट कैंडीज। आपने देखा दादी? वाह। और अब ओ, कुछ गलत हो गया है। मेरा हाथ अटक गया है। अरे छोड़ो, आउच। अब मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा। लेकिन मैंने कैंडी को मिला लिया। और अब इसे जमाना है। इसे जमा कर ठोस करना है ताकि कैंडी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो। हाँ दादी, आपका क्या कहना है? है ना यह अच्छा? तुम्हारे कैंडी हेल्दी नहीं है। इसे कोला से नहीं बल्कि शहद से बनाना बेहतर है। शेफ, तुम क्या करोगी? मेरे पास एक शानदार आइडिया है। यह रेसिपी बेबी को जरूर पसंद आएगा। हमें बस एक फ्राइंग पैन में कोला डालना होगा। कोका कोला के साथ बहुत सारे गमीज डालने होंगे और इसे मिक्स करना है। और मेरी कैंडी तैयार है। ओह, यह कितना ठंडा है। ओह, मेरे हाथ जम गए, बहुत ठंडा है। और मुझे बस एक कटोरी बर्फ चाहिए। यहाँ कुछ लिक्विड नाइट्रोजन डालना होगा। यह निश्चित रूप से बर्फ के प्रभाव को बढ़ाएगा और मैं अपनी कैंडी को बहुत तेजी से फ्रीज कर पाऊंगी। बढ़िया। अब पैन की सामग्री को एक बोतल में डालें और इसे बर्फ के साथ एक कटोरे में डाल सकते हैं। जरा देखें कि केमिस्ट्री क्या कर रही है। वाह, बढ़िया, बोतल तुरंत जम गई। दादी, इसे मत छुओ। क्या आप अपना हाथ बर्फ में बदलना चाहती हैं? अब इसे सर्व कर सकते हैं। वाह, यह सब तो मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। मैं अभी टेडी बियर की बोतल को ट्राई करने जा रही हूँ। ये सच में अच्छा लग रहा है। वाह, चलो इसे चक्कर देखती हूँ। वाह, ये शहद है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ क्या है? ओह, ये कितना ठंडा है, ये ठंडा है, ठंडा। ओह ओह ओह, तो हमें कुछ करना होगा। हाँ, यह बेहतर है। तो मैं कैंडी को वहाँ से कैसे निकालूं? चलो बाहर निकल जाओ। ओह ओह, यह काम किया। यह स्वादिष्ट है। और मेरे भाई ने क्या किया है? यह अच्छा लग रहा है। वाओ, कितना अच्छा। मुझे वास्तव में यह कैंडी पसंद है। वाओ, बहुत अच्छा, भाई जीत रहा है। हुर्रे, मुझे पता था कि मैं बेस्ट हूँ। वाओ। हाँ, तो ठीक है, अब मुझे फ्राइड एग चाहिए। बस कुछ बहुत ही स्वादिष्ट बनाओ। शेफ, आपको ये बहुत अच्छा करना होगा। ये दादी के लिए बहुत ही आसान होगा, लेकिन ब्रायन कुछ अलग करेगा। चलो शुरू हो जाओ। हाँ, तो अब मुझे थोड़ा तेल डालना है। अरे निकलो। ओह, माफ करना। ओह दादी, दर्द होता है। तो अब हम कुछ अंडे तोड़ते हैं। ओह माफ करना दादी, मैं बस खाना पकाने में मग्न हो गया था। वाह, यह बुरा नहीं है। मुझे तुरंत ही कुछ खाने लायक बनाना होगा, नहीं तो ब्रायन के फ्राइड एग खाने के बाद हम हॉस्पिटल जा सकते हैं। यहाँ देखिए कि आपको कैसे चाहिए।
ब्रायन, तुम्हारा सब जल गया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे जल्दी कुछ करना होगा। मैं लिक्विड मार्शमेलो से फ्राइड एग बनाऊंगा और एक पिच। अब ये आपकी तरह दिख रहा है ना? और मैं क्या करूँ? हाँ, कुछ ताज़ा सब्जियाँ और हर्ब्स डालना जरूरी है। आपके फ्राइड एग बहुत पुराने स्टाइल के दिख रहे हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि रेस्टोरेंट में फ्राइड एग कैसे बनाते हैं। ये क्लासिक आकार नहीं होगा, बल्कि उसका आकार। अरे, मेरा सांचा कहाँ है? ब्रायन, ये मेरा ड्रैगन है। काला डाई डालें और फ्राई करें। अब हम आंखें और आग बनाते हैं। बढ़िया, यह ड्रैगन इतना प्यारा बना है कि केट को यह जरूर पसंद आएगा। मैं प्लेट पर कुछ हरियाली जोड़ूंगी जहाँ मेरा ड्रैगन चरेगा। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैंने इसे बहुत अच्छे से किया है। आइए देखें कि केट का क्या कहना है। वाह, यहाँ बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें हैं। मैं यहाँ इस ड्रैगन को खाना चाहती हूँ। वाह, कितना अच्छा है, यह स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? वाह, टमाटर, मुझे ये पसंद है, स्वादिष्ट। और अंडे के बारे में क्या? खैर, यह साधारण है। ठीक है, और यहाँ क्या है? वाओ, ये पीच है। वो यहाँ क्या कर रहा है? योगर्ट। वाओ, मुझे ये मीठा फ्राइड एग बहुत पसंद आया। और भाई जीत रहा है, ये सच में अच्छा है। मैं प्लेट चाट कर खाऊंगी। बधाई हो भाई। वाओ, मैं फिर से जीत गया। आज किस्मत मेरे साथ है। वफल, बढ़िया पसंद। यह आसान है। ओह कूल, मैं अंडे से शुरू करूंगा। देखो मैं कैसे कर सकता हूँ। ध्यान से, तुम इसे तोड़ दोगे। यही मुझे चाहिए दादी। और आप? चीनी, लेकिन केवल थोड़ा सा। समझ गया, एक चुटकी। शाबाश, क्या आपको ऐसा लगता है? ज्यादा चीनी ज्यादा स्वाद। और यहाँ आटा है। ओ, लगता है मुझे छींक आ रही है। ओह, चला गया है, शुक्र है। अच्छी, उफ। ओह, तुमने पूरी टेबल गंदी कर दी। ये एक दुर्घटना थी। चलो, तो यह आटा है, अब दूध की जरूरत है। यह मुश्किल नहीं होगा। हाँ, ये सुपर स्पीड, मैं किसी भी मिक्सर से तेज हूँ। सरप्राइज, स्किटल से बेपक्का बेबी खुश हो जाएगी। सुंदर, कटोरे तैयार है और बैटर भी। हमें बस उन्हें मिलाने की जरूरत है। थोड़ा और धैर्य रखो, ये बफल कुछ खास होंगे बेबी। वाओ, ये अच्छा है कि मेरे पास दिल के आकार का वफल मेकर है। इसमें मल्टी कलर्ड बैटर डालेंगे और रेनबो वफल तैयार होंगे। बस थोड़ा इंतजार और यह तैयार। यह मस्त है। बेबी को सरप्राइज करने के लिए मैं उन्हें चॉकलेट और स्प्रिंकल से सजाऊंगा। वाओ, अगर यह चुनौती के लिए नहीं होता तो मैं उन्हें खुद खा लेता। क्या सुंदर है, फिर दांत भी रंगीन हो जाएंगे, हरे। डाई पेट और वफल के स्वाद को खराब करते हैं, इसलिए मैंने उन्हें नहीं डाला है। बेबी मेरे वफल को खाएगी और खुश होगी। दादी का सीक्रेट मैपल सिरप और बेशक यह बटर है। हाँ, ये वफल अद्भुत है। नेचुरल रंगों के बारे में क्या है? जुकिनी मेरे वफल को एक ही बार में स्वादिष्ट और सुंदर दोनों बना देंगी। एक साथ दो फायदा और जीत शेफ की जेब में। अब केवल थोड़ा नमक डालना बचा है और आप वफल मेकर में बैटर डाल सकते हैं। चलो चलते हैं। वाओ, अब शेफ आपके सामने प्रस्तुत करती है शानदार वफल। अब इसे थोड़ा सजाना है और खूबसूरती के लिए कुछ पत्तियों को यहाँ रख देती हूँ। पत्तियाँ? चलो खाकर बताओ बेबी, कितना दिलचस्प है। वाह, आपने काफी मेहनत की है। वाह, मैं उन वफल से शुरू करूँगी जो दादी ने बनाए हैं। बटर, बाय बाय। यह स्वादिष्ट है लेकिन बहुत साधारण है। वाओ, क्या सजावट है, पर पत्ते यहाँ क्या कर रहे हैं? खैर कोई बात नहीं, वाफल्स खुद अच्छे लग रहे हैं। मैं इसे अब चखूंगी। आह, क्या गड़बड़ है, इसका स्वाद घास की तरह है, मैं इसे नहीं खाऊंगी। वाओ, ये कितने कूल वाफल हैं। वे दिल के आकार में हैं, कितने प्यारे हैं। धन्यवाद भाई, ये बहुत स्वादिष्ट है, मेरा पेट भर गया। तुम जीत गए। ओ धन्यवाद, हुर्रे। तुमने क्या ड्रॉ किया है? मेरे लिए इस बार फ्रेंच फ्राइज बनाओ।
ऐसा आसान है, यह किया जाएगा। अरे दादी, हम शुरू कर चुके हैं। अब मैं सो नहीं रही थी। ओह फ्राइज, क्या यह तेल है? सुपर, इसका इस्तेमाल हमेशा होता है। अरे ये निकल क्यों नहीं रहा है? लगता है ढक्कन टूटा हुआ है। चलो इसके बिना यह जल्दी होगा। अब सब कुछ सही है। अब ये फ्रोजन आलू मैंने अपने लिए बचा कर रखा था, लेकिन बहन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे नहीं रुको, वहाँ बहुत अधिक तेल है। ये छींटे कहाँ से आ रहे हैं? कितना भयानक। ओ बस करो, बर्दाश्त नहीं हो रहा। ओह ऐसे खाना कौन बनाता है? माफ करना दादी, तेल को बहुत कम डालना चाहिए। देखो और सीखो, बस इतना ही काफी है। अब स्टोव को चालू कर सकते हैं और आलू को छोटे भागों में डाल सकते हैं। हालांकि तुम सही हो, यह इस तरह से तेज है। अच्छी बात यह है कि तेल छिलक नहीं रहा है। स्वादिष्ट और कुरकुरे आलू तैयार है। जब इसे एक कटोरे में निकाल सकते हैं और साथ में केचप जोड़ सकते हैं। तुम क्या करती हो शेफ? वाह दादी, वैसे डिजाइन की कमी है। चुनौती में हमें क्रिएटिविटी दिखाने की जरूरत है। मैं आलू को छोटे छोटे भागों में रखूंगी और बैकन का सबसे पतला टुकड़ा लूंगी, इसे थोड़ा भूनूंगी और आलू में लपेटूंगी। वाह बढ़िया। और अब सॉस के बारे में सही है। डिश को ये बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं और पार्सले इसे खूबसूरत बनाएगा। शानदार। मैं फ्राइज बनाना नहीं जानता, मुझे क्या करना चाहिए? मैं समझ गया, अब बेबी हैरान हो जाएगी। आखिर मैं उसे अपना फेवरेट गमी दूंगा। वे फ्रेंच फ्राइज की तरह दिखते हैं। बोन एपिटी छोटी बहन। और क्योंकि सभी सॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं भी इसे करूंगा, लेकिन मैं इसके बजाय स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगा। ये तुम्हारे लिए बहन। हुर्रे, फ्रेंच फ्राइज बहुत अच्छे लग रहे हैं और इसकी महक कितनी अच्छी है। आइए देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। कितना अच्छा। अद्भुत स्वाद। वाह, और शेफ की ओर से यह कैसा मास्टरपीस है। मैं पार्सले नहीं खाती, लेकिन सॉस काफी स्वादिष्ट है। यम्मी। वाह, इसे खाकर देखना चाहिए। मुझे बेकन पसंद नहीं है। पता नहीं भाई ने क्या बनाया है। वाह यह गमी है। वाह मुझे और चाहिए। यह अच्छा है, मैं अपने भाई को फिर से जीत देती हूँ। वाह धन्यवाद बेबी। इसे ऐसे होना चाहिए। धन्यवाद दादी। और अब मुझे रोल चाहिए। मैं समझ गया, जरूर मिलेगा। ओ माँ, ये रोल क्या होता है? नोरी और मछली बेकार। एक बार अगर बच्चे को गमी पसंद आ गया है तो मैं उन्हें फिर से उपयोग करूंगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। पहले हमें क्रीम डालना होगा और फिर हम गमी आंखें डालेंगे और जाहिर है गमी बेयर्स भी। मैंने शानदार मीठे रोल बनाए हैं। बढ़िया, अब केवल उन पर सिरप डालना है। देखो स्मार्ट बच्चा कैसे खाना बनाता है। अकेले गमी भूख को संतुष्ट नहीं करता है। अगर उसने रोल मांगा है तो मैं रोल बनाऊंगी। सबसे पहले चावल। चावल तो रोल के लिए यह चाहिए। ये दादी बनाना जानती है। ओह यहाँ मत देखो। दूसरी सामग्री एवोकाडो है, स्वास्थ्य का खजाना। दादी भी ऐसा कर सकती है। आउच। ओह यह दादी भी ना, वो पक्का एक प्रोफेशनल की तरह मछली को पतले स्लाइस में नहीं कर पाएगी। चावल पक चुका है। ओह हाँ, मैं नोरी के बारे में पूरी तरह से भूल गई। चीज और एवोकाडो फिलिंग होगा और मैट रोल को सही आकार देने में मदद करेगी। अद्भुत, मुझे बस मछली को ऊपर रखना है और शेफ का खाना तैयार है। वाओ, ओह मैं शेफ से बहुत पीछे हूँ, क्या करूँ? एक आइडिया है, यदि हमें गोल आकार की जरूरत है तो हम एक खीरा ले सकते हैं और फिलिंग के लिए उसे बीच से खाली कर सकते हैं और उसमें यह तैयार सामग्री डाल सकते हैं। ये दादी के स्टाइल के रोल होंगे। हम तैयार हैं बेबी। चलो देखते हैं, यह रोल की तरह नहीं दिखता है लेकिन मैं फिर भी इसे ट्राई करूंगी। ओह मुझे ये पसंद नहीं है, माफ करना दादी, मैं इसे नहीं खा सकती। और शेफ का रोल बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा मैंने ड्रॉ किया था। वाओ कितना स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। और यह क्या है? आ
कितना सुंदर। वाओ, ये स्वादिष्ट है। अद्भुत भाई, तुम सबसे अच्छे हो। वो तो है। अंत में मुझे कॉफी चाहिए। ये 2 मिनट में हो जाएगा। यह तो दादी के बाएं हाथ का खेल है। बिल्कुल। मेरे पास ये पैकेट बहुत दिन से पड़ा है। आखिरकार मैं इसका उपयोग करूंगी और 1 कप सुगंधित इंस्टेंट कॉफी बनाऊंगी। हमें बस इसे उबलते पानी में डालना है और दूध डालना है। चलो देखते हैं। बिल्कुल सही। अरे ओ छी, यह कितना कड़वा और गर्म है। मुझे यकीन है कि बेबी ठंडा और मीठा पसंद करती है। मैं बर्फ लूंगा और चॉकलेट सिरप डालूंगा और साथ ही इसके साथ कप को सजाऊंगा। ओह बहुत बढ़िया। और अब मैं प्रोफेशनल के द्वारा तैयार कॉफी का इस्तेमाल करूंगा। मुझे पता है कि यह पक्का स्वादिष्ट होगा। और मुझे क्रीम भी पसंद है। अगर मुझे यह पसंद है तो बेबी को भी यह पसंद आएगा। कूल। मैं इस पर ओरियो कुकीज का स्प्रिंकल्स करूंगा। वाओ बढ़िया। क्या दादी, क्या तुम क्या सुन रहे हो बेटा? लो तुम भी सुनो दादी। याहू। हम एक चुनौती में है। क्या खुशबू है। शेफ केवल बेस्ट कॉफी बीन्स का उपयोग करते हैं। पहले हमें उन्हें पीसना होगा और फिर उन्हें बनाएंगे। सब कुछ सटीक होना चाहिए, तभी सही स्वाद निकलेगा, जिसका मतलब है मेरी जीत। एक फ्लास्क की मदद से हम दूध की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं और उसी समय इसे यहीं मिला सकते हैं। यह क्या टेक्नोलॉजी है, इतना तामझाम। यह आसान है दादी, आप भी अच्छी कॉफी बनाने के लिए ऐसे गैजेट्स का उपयोग कर सकती हैं। एक और सीक्रेट, कॉटन कैंडी। तुम्हें यह कैसा लग रहा है? वाओ बेबी, चलो चक्कर बताओ। वाओ, चलो पहले मैं दादी के कॉफी को पीती हूँ। ओह यह कितना बेकार है, मैं ये कॉफी नहीं पी सकती। ऐसा कैसे? वाओ कॉटन कैंडी, ये मस्त है, ये मेगा कूल है। ओह तुम्हें मेरी मूछें कैसी लगी? और मैं तो कॉफी के बारे में भूल ही गई हूँ, मुझे इसे भी ट्राई करना चाहिए, लेकिन कॉटन कैंडी के बिना नहीं। बिल्कुल। मुझे वास्तव में ये पसंद है। और भाई ने क्या बनाया है? वाओ ये ओरियो है और क्रीम भी, कितनी स्वादिष्ट चीज है। यम्मी। कोल्ड कॉफी कमाल का है। मैं जानता था कि तुम्हें ये पसंद आएगा। मुझे जीत किसे देनी चाहिए? शेफ को। ये अब तक की सबसे स्वादिष्ट कॉफी है।